अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? आज की वीडियो का टॉपिक जो है ISL 202 का आज हमने पढ़ना है, लेक्चर नंबर 23। इसमें ओनली MCQs होंगे, तो चलें शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द लिटरल मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन इज डिराइव फ्राम द अरेबिक वर्ल्ड, यानी कि अरेबिक वर्ल्ड किससे निकला है? हैज़बून, ठीक है, ये आपने लिखा हुआ है, देख लेना। नेक्स्ट है, इट्स लिटरल मीनिंग इज़ ब्रांचिंग, प्रूनिंग, करेक्टिंग, प्योरीफाइंग, रिवाइजिंग, etc। यानी इसका क्या है? इसके लुफी मानी शाखें लगाना, काटना, दुरुस्त करना, पाक करना, नज़रसानी करना वगैरह ही, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है कि मोहम्मद इकबाल राइट्स द अपेरेंट साइड ऑफ द लाइफ ऑफ एवरी नेशन विच डिस्टिंग्विश इट फ्राम अदर नेशंस इज कॉल्ड इट्स डैश सिविलाइजेशन। हर कौम की जिंदगी का ज़ाहरी पहलू जो इसे दूसरी कौमों से मुमताज़ करता है, इसे इसकी तहजीब कहते हैं, ठीक है, सिविलाइजेशन। नेक्स्ट है कि एवरी नेशन हैज़ इट्स ओन कल्चर, हर जो है कौम का अपना अपना कल्चर होता है, ठीक है। फाइव क्वेश्चन है, वी हैव डिज़ाइंड फॉर ईच वन ऑफ यू आ डिस्क्रीट ला एंड एन ऑल इम्प्रेसिंग वे ऑफ डैश लाइफ, हमने आप में से हर एक के लिए एक अलग कानून और ज़िंदगी का एक मुकम्मल तरीका वज़ा किया है। नेक्स्ट है, सिक्स क्वेश्चन, हैड अल्लाह सो विल्ड ही वुड हैव मेड यू ऑल वन उम्मा कम्युनिटी एग्रीइंग टू द डैश सेम ला, अगर अल्लाह चाहता तो तुम सबको एक ही उम्मत बना देता, ठीक है। कल्चर जो है किसका वर्ल्ड है? अरेबिक वर्ल्ड है। इसका मानी क्या है? विजडम, स्किल्स इन डूइंग समथिंग, सिविलाइजेशन, बीइंग इंटेलिजेंट, जहन होना एंड वे ऑफ सिविलाइजेशन, यानी कि हिकमत, कुछ करने की महारत, तहजीब, जहन होना और तहजीब का तरीका। नाइन क्वेश्चन है कि अलामा ज़मस्कारी हैज़ आल्सो एक्सप्लेन्ड द मीनिंग ऑफ कल्चर इज डैश टू टीच लिटरेचर एंड टू मेक समथिंग सिविलाइज्ड, अदब सिखाना और कुछ महजब बनाना। टेन क्वेश्चन है, दी वर्ल्ड सिविलाइजेशन इज़ आल्सो यूज फॉर डैश कल्चर, कल्चर के लिए जो इस्तेमाल होता है सिविलाइजेशन का वर्ल्ड। तहजीब इज़ द नेम ऑफ डैश आइडियाज, थॉट्स एंड बिलीव्स अंडर दीज आइडियाज एंड थॉट्स, ठीक है, सोच। ट्वेल्थ क्वेश्चन है कि ऑन द अदर हैंड द एक्शंस दैट अपीयर एंड द करेक्टर्स दैट आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड डैश तमद्दुन और सिविलाइजेशन, यानी कि जो अमाल जाहिर होते हैं और जो किरदार बनते हैं उनको तमद्दन या तहजीब कहा जाता है। 13 क्वेश्चन है कि इन दिस वे तहजीब एंड तमद्दुन आर डैश सैनोनिम्स, दे बोथ आर कॉल्ड कल्चर, ये दोनों क्या होते हैं? कल्चर। इन दिस वे तहजीब एंड तमद्दुन आर डैश इनसेपरेबल, यानी कि लाजम और मलजूम है, ठीक है, तहजीब और तमद्दुन दोनों। दे हैव अ बॉडी एंड डैश टू ईच अदर सोल, यानी कि वो एक दूसरे के लिए एक जिस्म और रूह रखते हैं, मीन एक जिस्म है और एक रूह है। तहजीब इज़ द डैश, तहजीब क्या है? रूह है। तमद्दुन क्या है? बॉडी, यानी कि जिस्म है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास के तहजीब इज़ द डैश, तहजीब ओरिजिनल है और तमद्दुन क्या है? मैनीफेस्टेशन है, यानी कि मजहर है। तहजीब क्या है? ओरिजिनल चीज़ है और तमद्दुन यानी कि मजहर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? तहजीब इज़ द हल्ट ऑफ मैन विच इज़ द सेंटर ऑफ डैश, सेंटर क्या होता है? आइडियाज़ एंड थॉट्स, ठीक है, सोच और सोच। नेक्स्ट क्या है कि एंड तमद्दुन इज़ द ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी हु ओबे द ऑर्डर्स ऑफ द डैश हल्ट लाइक फेथफुल एंड ओबीडियंट एम्प्लॉयज़, तमद्दुन इंसानी जिस्म के अज़ा हैं जो वफादार और फर्मा बरदार मुलाजमीन की तरह दिल के हुक्म की तामील करते हैं। 23 क्वेश्चन है कि इस्लामिक सिविलाइजेशन बिगेन 1400 ईयर्स अगो विद द फर्स्ट रेवलेशन सेंट डाउन टू द डैश प्रॉफिट, इस्लामी तहजीब का आगाज़ 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही के साथ हुआ। 24 क्वेश्चन है कि ही क्रिएटेड इट अकॉर्डिंग टू डैश डिवाइन कमांड्स, इसने इसे खुदाई अहकाम के मुताबिक बनाया। नेक्स्ट क्या है कि दैट इज़ इट इज़ बेस्ड ऑन डैश डिवाइन रेवलेशन, इलाही वही, यानी कि डिवाइन रेवलेशन, इलाही वही। 26 क्वेश्चन है कि इस्लामिक सिविलाइजेशन इज स्टिल प्रेजेंट इन मोर देन डैश कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द कल्चरल प्रिंसिपल्स ऑफ द कुरान एंड हदीस, तो 55 इस्लामिक कंट्रीज, यानी कि इस्लामी तहजीब आज भी 55 से ज़्यादा जायद इस्लामी ममालिक में कुरान व हदीस के सकाफती असूलों के मुताबिक मौजूद है।
27 क्वेश्चन है कि दिस डैश रूल्ड द वर्ल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड हैड अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन द वर्ल्ड। तो होता है सिविलाइजेशन। इस तहजीब ने एक तवील अरसे तक दुनिया पर हुकूमत की और दुनिया पर बहुत अच्छे असरात मरतब किए। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज डैश मोनोथीज़म, यानी कि इस्लामी तहजीब व तमदन का पहला अंसर तौहीद है। ठीक है, तौहीद इज़ द फोर्स ऑफ डैश इस्लामिक सिविलाइजेशन। तौहीद इस्लामी तहजीब की कुव्वत है। एंड कल्चर दैट नो फेथ और आइडियोलॉजी और सिस्टम ऑफ लाइफ हैज़ बीन एबल टू काउंटर इट, सकाफत के वो अकीदा या नज़रिया या निज़ाम ज़िंदगी इसका मुकाबला नहीं कर सका। 31 क्वेश्चन है कि मोनोथीज़म इन इस्लाम इज़ नॉट अ डैश और अ कंसेप्ट बट अ लिविंग एंड डायनेमिक कंसेप्ट ऑफ लाइफ डिस्क्रीट बिलीफ। इस्लाम में तौहीद कोई मुजरद अकीदा या तसव्वुर नहीं है बल्कि ज़िंदगी का एक जिंदा और मुतहरिक तसव्वुर है। ठीक है, 32 क्वेश्चन है कि इन दिस सूरह इखलास ऑल द मिसकंसेप्शंस रिलेटेड टू द बिलीफ ऑफ मोनोथीज़म हैव बीन रिमूव्ड विच कुड हैव बीन द विक्टिम ऑफ द ह्यूमन माइंड। ठीक है, नेक्स्ट है कि डैश इज़ द सेंट्रल टू द फॉर्मेशन ऑफ इस्लामिक सोसाइटी एंड सिविलाइजेशन। तो होता है फेथ। ठीक है, 34 क्वेश्चन है कि डैश वॉज क्योर्ड बाई द डिवाइन रेवलेशन थ्रू सेंडिंग द प्रॉफिट्स हु विद द सपोर्ट ऑफ अल्लाह एंड द पावर ऑफ देयर फेथ एंड एक्शन ब्रेथेड द सोल इनटू अ डेड सोसाइटी। तो क्या होता है, सोशल डिग्रेडेशन, यानी कि समाजी इनहतात का इलाज वही इलाही से अम्बिया कराम के ज़रिए हुआ जिन्होंने अल्लाह की नुसरत और अपने ईमान व अमल की ताकत से मुर्दा माशरे में रूह फूंकी। 35 क्वेश्चन है कि व्हेन द प्रॉफिट हुज प्रीचिंग वाज लिमिटेड फॉर अ टाइम हैड पास्ड देन द लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सेंट विद डैश यूनिवर्सल प्रॉफिटहुड। 36 क्वेश्चन है कि द रेफरेंस टू द सोशियो कल्चरल एंड कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द मुस्लिम उम्मा टिल द डे ऑफ जजमेंट इज़ द मैसेज ऑफ द डैश होली प्रॉफिट। क़यामत तक उम्मत मुसलमान के समाजी और सकाफती तशख़्स का हवाला हजूर अकरम का पैगाम है। ठीक है, 37 क्वेश्चन है कि नो सोसाइटी कैन बिकेम अ गार्डियन ऑफ हेल्थी ट्रेडिशन अनलेस इट हैज़ द कंसेप्ट ऑफ डैश अकाउंटेबिलिटी, यानी कोई भी माशरा इस वक्त तक सेहतमंद रवायात का पासबान नहीं बन सकता जब तक कि इसमें एहतसाब का तसव्वुर ना हो। 38 क्वेश्चन है कि बिलीव्स ऑफ इस्लाम विदाउट विच द फेथ कैन नॉट बी कम्प्लीट, वो कम्प्लीट नहीं होता जब तक फेथ ना हो। ठीक है, एंड अदर यूनिक फीचर ऑफ इस्लामिक सोसाइटी इज़ दैट ऑल द पीपल लिविंग इन इट हैव इक्वल लीगल राइट्स होने चाहिए। ठीक है, कलर रेस कास्ट एंड फैमिली वेल्थ एंड सोशल स्टेटस, तो इसमें इरिस्पेक्टिव। नेक्स्ट है कि द प्रॉफिट सेड इफ माय डॉटर फातिमा स्टील्स हर हैंड्स विल आल्सो बी कट ऑफ, तो उनके भी हाथ जो है काटे जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या 41 के डैश सिविलाइजेशन इज़ द ग्रेटेस्ट एडवोकेट ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी इस्लामिक सिविलाइजेशन, यानी कि इस्लामी तहजीब माशी मसावात की सबसे बड़ी हामी है। 42 क्वेश्चन है कि इट स्ट्रॉन्गली ओपोजेज क्लास डिवीजंस एंड निगेट्स द एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ इन अ डैश फ्यू हैंड्स, ये तबकाती तकसीम की सख्ती से मुखालफत करता है और दौलत के चंद हाथों में जमा होने की नफी करता है। नेक्स्ट 43 क्वेश्चन है कि एंड दोज हु होल्ड सिल्वर एंड गोल्ड एंड डू नॉट स्पेंड इन इट कॉज ऑफ अल्लाह वांट देम ऑफ अ डैश ग्रीवियस टॉर्मेंट, और जो लोग चांदी और सोना जमा करते हैं और इसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते उन्हें दर्दनाक अजाब से डरा दे। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं दी होली प्रॉफिट बिकेम दी मैसेंजर ऑफ डैश एंड केम टू दी वर्ल्ड, तो कहते हैं पीस, यानी कि हजूर अकरम अमन के पैगम्बर हैं, पैगंबर बनकर दुनिया में तशरीफ लाई। ठीक है, द प्रॉफिट सेड अ मुस्लिम इज़ वन फ्राम होज हैंड्स एंड टंग उधर मुस्लिम सार से, यानी एक मुसलमान दूसरे के मुसलमान के हाथ और जुबान से महफूज होने चाहिए। 46 क्वेश्चन है कि इस्लाम आल्सो प्रोवाइडेड सिक्योरिटी टू माइनॉरिटीज़ एंड डिड नॉट अलाउ एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन अगेंस्ट देम डिस्पाइट बीइंग अ डोमिनेंट सिविलाइजेशन इन इट्स डैश हेडी, यानी कि इस्लाम ने अकलियतों को तहफ़ भी फराहम किया और अपने अरूज के ज़माने में एक गालिब तहजीब होने के बावजूद इन पर किसी किस्म के जबर की इजाज़त नहीं दी। ठीक है, 47 है कि दी होली प्रॉफिट टार दी बिलीवर्स गुड मॉरल्स एंड जेंटलनेस एंड फॉरबेड देम फ्राम डैश वायोलेंस एंड क्रुएल्टी,
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले ईमान को अच्छे अखलाक और नरमी की तालीम दी और तशद्दुद और जुल्म से मना फरमाया। 48 क्वेश्चन है कि व्हेन एवर द प्रॉफिट सेंट समवन एज अ गवर्नर ही एडवाइज देम प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर द पीपल एंड डू नॉट क्रिएट प्रॉब्लम्स, यानी कि लोगों के लिए फैसिलिटीज़ ओपन करनी चाहिए ना कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्रिएट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि गिव गुड टाइडिंग टू पीपल डू नॉट टेररइज देम, लोगों को खुशखबरी दो उन्हें खौफ ज़्यादा ना करो। लिव विद पीस डोंट क्रिएट डिफरेंसेस, अमन के साथ रहो कोई मसले मसाइल पैदा ना करो। जस्टिस इज़ एन अदर डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ इस्लामिक सोसाइटी दैट इस्लाम कमांड्स, इक्वल जस्टिस होना चाहिए। ठीक है, इक्वल इंसाफ मिलना चाहिए, बेशक वो जिस मर्जी रिलीजन के नेशन के अमीर है गरीब है जो भी है, तो इक्वल इंसाफ होना चाहिए। ऑल अल्लाह एंजॉयज जस्टिस एंड बेनेवोलेंस टुवर्ड्स एवरीवन एंड गिविंग अवे टू द किंडर्ड एंड फॉरबिड्स इनडिसेंसी एवल डीड्स डिफियंस एंड डैश डिसओबीडियंस। अल्लाह अदल और एहसान का हुक्म देता है और कराबतदारों को देने का हुक्म देता है और बेहयाई बुरे कामों सरकशी और नाफरमानी से मना करता है। ही एडमोनिशेज यू सो दैट यू मे रिमेंबर विद डैश कंसर्न, वो तुम्हें नसीहत करता है ताकि तुम याद रखो। डैश इज़ एक्वेंटेड विद व्हाट यू डू, अल्लाह जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। ठीक है, 55 क्वेश्चन है क्लीनलीनेस एंड सिंपलिसिटी आर एन अदर डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ इस्लामिक सोसाइटी, हदीस में आता है कि क्लीनलीनेस हैज़ बीन गिवन द स्टेटस ऑफ हाफ फेथ, यानी कि सफाई नेस ईमान है। ठीक है, यानी कि हाफ फेथ। नेक्स्ट क्या कि अल्लाह लव्स दोज हु रिपेंट मच, यानी कि अल्लाह बहुत ज़्यादा तौबा करने वालों को पसंद करता है। ही लव्स दोज हु कीप देमसेल्फ थ्रोली प्योर क्लीन एंड सिमिलरली, यानी कि जो सफाई पसंद करते हैं अल्लाह उनको पसंद करता है। डैश हैज़ आल्सो अर्ज्ड सिंपलिसिटी एंड मॉडरेशन इन मैटर्स इस्लाम, इस्लाम ने भी मामलात में सादगी और एतदाल की तलकीन की है। One of the things that a believer is honored by Allah is the cleanliness of his clothes and being content with dash patience. यानी कि मोमन को अल्लाह ताला की तरफ से जिन चीज़ों में इज्जत मिलती है उनमें से एक उसके कपड़ों की सफाई और सब्र पर कनात है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एंड डू चैरिटी एंड वियर क्लॉथिंग दैट इज़ नॉट एरोगेंट, और सदका करो और ऐसा लिबास पहनो जिसमें तकब्बर ना हो। ठीक है, एंड डू नॉट स्पेंड एक्स्ट्रा वेगेंटली, और इसराफ ना करो। ठीक है, अल्लाह लव्स दैट द इफेक्ट ऑफ ब्लेसिंग बी सीन ऑन हीज सर्वेंट, यानी कि अल्लाह को ये पसंद है कि इसके बंदे पर बरकत का असर हो। 64 क्वेश्चन है कि इस्लाम नॉट ओनली गेव राइट्स टू डैश बट आल्सो गेव डिग्निटी एंड डिग्निटी इन एवरी फॉर्म वुमेन, इस्लाम ने ख्वातीन को ना सिर्फ हकूक दिए बल्कि हर शक्ल में इज्जत और वक़ार भी दिया। नेक्स्ट है कि वुमेन टू हैव राइट्स अवर मैन सिमिलर टू द राइट्स ऑफ मैन अवर वुमेन, औरतों के भी मर्दों पर ऐसे ही हकूक हैं जैसे मर्दों के हकूक औरतों पर हैं। The Prophet freed women from the shackles of oppression and gave them the right to live a dignified life in society. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو ظلم و ستم کے توک سے نجات دلائی اور انہیں معاشرے میں باوقار زندگی گزارنے کا حق دیا۔ ٹھیک ہے، 67 کوشچن ہے کہ اسلامک سویلائزیشن ہیز اے ریولیوشنری ہسٹری ان دی پروموشن آف ڈیش سائنٹیفک سائنسز، اسلامی تہذیب سائنسی علوم کے فروغ میں انقلابی تاریخ رکھتی ہے۔ 68 کوشچن ہے کہ دی اسپرٹ آف اوبیئنگ گاڈز کمانڈ آف دی یونیورس از دی اسٹرانگیسٹ فیکٹر ان دی کریشن آف ویریس سائنسز اینڈ آرٹس ان ڈیش اسلامک تھاٹ، کائنات میں خدا کے حکم کی تعمیل کا جذبہ اسلامی فکر میں مختلف علوم و فنون کی تخلیق کا سب سے مضبوط عنصر ہے۔ نیکسٹ ہے کہ دی فاؤنڈیشن آف آل فزیکل سائنسز از دی ڈیش اسٹڈی آف نیچر، تمام طبی علوم کی بنیاد فطرت کا مطالعہ ہے۔ 70 ہے کہ شیورلی ڈیش ہیز پرفیکٹ پاور اوور آل تھنگس، اللہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اٹ از دی کریکٹرسٹکس آف دی سویلائزیشن دیٹ فلورشڈ ان مدینہ ان دی پرافٹس ایرا دیٹ اٹ ڈز ناٹ سفر فرام ڈیش ایگزاگریشن، ان کے عہد نبی میں مدینہ میں پروان چڑھنے والی تہذیب کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ مبالغہ آرائی کا شکار نہیں ہے۔
एंड सीक द होम ऑफ द हेयर आफ्टर विद वट वेल्थ डैश हैज़ गिवन यू एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट योर शेयर ऑफ द वर्ल्ड अल्लाह। और जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है इसे आखरत का घर तलाश करो और दुनिया में से अपना हिस्सा भी ना भूलो। ठीक है, नेक्स्ट आगे हैं डू सच गुड टू द पीपल एज डैश हैज़ डन गुड टू यू अल्लाह। और लोगों के साथ भलाई करो जैसा कि अल्लाह ने तुम पर एहसान किया है। 74 क्वेश्चन है कि बट डू नॉट लुक फॉर वेज टू स्प्रेड एविल एंड टेरर इन दी डैश लैंड थ्रू ऑपरेशन एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ एंड एक्सप्लोइटेशन। यानी कि लेकिन ज़मीन में जुल्म दौलत जमा करने और इस्तेसाल के ज़रिए बुराई और दहशत फैलाने के रास्ते मत ढूँढो। श्योरली अल्लाह डज नॉट लाइक दोज हु वायोलेट पीस। बेशक अल्लाह सुलह के खिलाफ वर्जी करने वालों को पसंद नहीं करता। 76 क्वेश्चन है कि इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर डोमिनेटेड द वर्ल्ड फॉर डैश 1400 ईयर्स। इट लेड द वर्ल्ड इन डैश एवरी वे। इसने हर तरह से दुनिया की रहनुमाई की। द इंटेंसिटी विद विच इस्लामिक कल्चर एंड कल्चर हैज़ इंस्पायर्ड पीपल इज नॉट फाउंड इन डैश प्री इस्लामिक रिलीजन्स। इस्लामी तहजीब व तमद्दन ने जिस शिद्दत से लोगों को मुतासर किया है वो इस्लाम से पहले के मजाहिब में नहीं मिलती। ठीक है, इन हिंदुज़म फॉर एग्जाम्पल नॉलेज इज़ मोनोपोलाइज्ड बाई डैश ब्राह्मिन्स। यानी कि इल्म पर ब्राह्मणों की अजारादारी है और क्रिश्चियनिटी बाई प्रीस्ट्स और ईसाइत में पादरियों के जरिए। ठीक है, इवन प्लाटो डज नॉट कंसिडर एजुकेशन नेसेसरी फॉर आल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। यानी कि अफलातून भी माशरे के तमाम तबकात के लिए तालीम को ज़रूरी नहीं समझता। नेक्स्ट है कि वेयर एज इस्लाम इनकरेज नॉलेज फॉर डैश एवरी पर्सन। जबकि इस्लाम हर शख्स के लिए इल्म की तरगीब देता है। ठीक है, गॉड सेज कैन दोज हु हैव नॉलेज एंड दोज हु डू नॉट नाउ बी इक्वल। क्या वो इक्वल हो सकते हैं? सिमिलर प्रॉफिट सेड इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन डैश कि एवरी मुस्लिम मैन एंड वूमेन टू आर्चली दी एक्वायर नॉलेज। खुदा फरमाता है कि इल्म रखने वाले और ना जानने वाले बराबर हो सकते हैं। इसी तरह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मर्द मुसलमान औरत पर इल्म हासिल करना फ़र्ज है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या 84 क्वेश्चन है कि इन इस्लाम इट इज़ कमांडेड टू अप्रिशिएट द डैश स्कॉलर्स। इस्लाम में उलमा की कदर करने का हुक्म है। प्रॉफिट्स एंड द स्कॉलर्स आर द हेयर्स ऑफ द प्रॉफिट्स। उलमा अंबिया के वारिस हैं। अफिका इज़ हैवी ऑन डेविल देन अ डैश थाउजेंड डिवोटेड वर्शिपर। एक फकी 1000 इबादत गुजारों से ज़्यादा शैतान पर भारी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि अमीन अल राशिद एंड महमूद अल राशिद सन्स ऑफ द डैश अबासिड खलीफ हारून अल राशिद। नेक्स्ट क्या कि कम्पीटेड इन लिफ्टिंग द टीचर्स शूज़। ये इनका नाम यहाँ पे है अमीन अल राशिद एंड महमूद अल राशिद सन्स ऑफ द कम्पीटेड इन लिफ्टिंग द टीचर्स शूज़। उस्ताद के जूते उठाने में मुकाबला किया इन दोनों ने, जो ऊपर इनका नाम लिया ना अमीन अल राशिद और महमूद अल राशिद ने। नेक्स्ट क्या है कि 89 क्वेश्चन है इन दी वे इन दी सेम वे दी खलीफ हिमसेल्फ यूज टू पार्टिसिपेट इन दी टीचिंग्स ऑफ इमाम मालिक एट दी टाइम। इसी तरह खलीफा ख़ुद भी इस वक्त इमाम मालिक की तालीमात में शरीक हुआ करता था। नेक्स्ट क्या है कि मुस्लिम गवर्नमेंट्स मेड एजुकेशन पब्लिक विदाउट डैश डिस्क्रिमिनेशन। मुस्लिम हुकूमतों ने तालीम को बिला इम्तियाज आम किया। 91 है कि इंडिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बनू उमैया एंड नॉन मुस्लिम साफ एंड एंडलुसिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बनू अब्बास आल्सो ओपन द डोर्स ऑफ डैश नॉलेज। बनू उमैया के दौर में हिंदुस्तान और बनू अब्बास के दौर में अंदलुस के गैर मुस्लिमों पर भी इल्म के दरवाजे खुल गए। ठीक है, 92 क्वेश्चन कह रही चैंड पुअर कोड पार्टिसिपेट इन द रेस फॉर डैश नॉलेज। अमीर और गरीब इल्म की दौड़ में हिस्सा ले सकते थे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ अब्दुल मालिक इब्न मरवान 4 ऑफ द 7 ग्रेट स्कॉलर्स वर डैश नॉन अरब्स। मेजॉरिटी जो थी मुहद्दिसीन की वो क्या थी यार? नॉन अरब्स। इस्लामिक गवर्नमेंट्स मेड एजुकेशन पब्लिक एज वेल एज फ्री। ठीक है, क्या था? फ्री थी एजुकेशन। इंस्टीट्यूशंस वर एस्टेब्लिश्ड फॉर डैश फ्री एजुकेशन। मुफ्त तलीम के लिए इदारे कायम किए गए। The scholars used to teach free of cost but also the expenses of some students they endured. उलमा मुफ्त पढ़ाते थे लेकिन बाज़ तुलबा के अखराजात भी उन्होंने बर्दाश्त किए। कुछ यानी फ्री पढ़ाते थे और कुछ के उन्होंने तुलबा के अखराजात भी उन्होंने बर्दाश्त किए।
अपार्ट फ्रॉम दिस दी वेल्थी पीपल कंसिडर्ड इट अ मैटर ऑफ प्राइड टू स्पेंड देयर मनी ऑन दी एजुकेशनल एक्सपेंसेस ऑफ द स्टूडेंट। इसके अलावा मालदार लोग अपने माल को तलबा के तालीमी अखराजात पर खर्च करना बाइस फ़ख्र समझते थे। द मुस्लिम्स एम्फसाइज्ड द प्रमोशन ऑफ यूजफुल डैश साइंसेज। मुसलमानों ने मुफीद उलूम के फ़रोग़ पर ज़ोर दिया। सौ सवाल है कि दे कंडेम्ड नॉन बेनिफिशियल साइंसेज सच एज डैश मैजिक म्यूजिक एस्ट्रोलॉजी एंड शिर्क। उन्होंने जादू मौसीकी इल्म नजूम और शिर्क जैसे गैर मुफीद उलूम की मजम्मत की। सो द प्रॉफिट प्रेड ओ अल्लाह गिव अस डैश नॉलेज। रसूल पाक ने दुआ फरमाई ए अल्लाह हमें इल्म अता फरमा आमीन। ही सॉट रिफ्यूज विद अल्लाह फ्राम डैश अनप्रॉफिटेबल नॉलेज। यानी कि इसने बेफ़ायदा इल्म से अल्लाह की पनाह मांगी जिस इल्म का फ़ायदा ना हो। ठीक है, 103 सवाल है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एकेडमिक सिविलाइजेशन इल्मी तहजीब का क्याम। 104 है कि मुस्लिम्स इस्टेब्लिश्ड ऑफ साइंटिफिक सिविलाइजेशन एट द गवर्नमेंटल एंड डैश सोशल लेवल। मुसलमानों ने हकूमती और समाजी सतह पर एक साइंसी तहजीब कायम की। 105 सवाल है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस मॉस्क्स हाउसेस लाइब्रेरीज बुक मार्केट स्टार्टेड एंड लेसली विच गेव द सिविलाइजेशन ऑफ एवरी हाउस अ साइंटिफिक कलर। तालीमी इदारे मसाजिद मकानात लाइब्रेरियाँ किताबों के बाजार ना ख़त्म होने लगे जिसने हर घर की तहजीब को साइंसी रंग दिया। साइंस वाज अ थ्योरेटिकल नॉलेज बिफोर मुस्लिम। मुसलमानों से पहले जो है साइंस सिर्फ थ्योरी वाला था कि थ्योरी वाली पढ़ते जो मुसलमान दी मुस्लिम मेड इट अ नॉलेज ऑफ। मुसलमानों ने क्या बना दिया, नॉलेज ऑफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लेबॉरटरीज एंड ऑब्जर्वेशंस एंड हॉस्पिटल्स फॉर डैश इस्टेब्लिश हो गए फ्राम विच साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स एंड इन्वेंशन केम इनटू डैश बीइंग जिससे साइंसी आलात और इजादात वजूद में आई। नेक्स्ट है कि अपार्ट फ्राम दिस सीरीज ऑफ साइंटिस्ट स्टार्टेड विच लेड टू अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस इन द डैश साइंटिफिक साइंसेज। इसके अलावा साइंसदानों का एक सिलसिला शुरू हुआ जिसकी वजह से साइंसी उलूम में बहुत तरक्की हुई। 111 सवाल है कि मुस्लिम्स एम्फसाइज्ड ह्यूमन ट्रेनिंग अलॉन्ग विद डैश नॉलेज। मुसलमानों ने इल्म के साथ साथ इंसानी तरबियत पर भी जोर दिया। 112 सवाल है कि बिकॉज नॉलेज अलॉन डज नॉट मेक अ डैश गुड पर्सन। क्योंकि सिर्फ इल्म ही अच्छा इंसान नहीं बनाता। ठीक है, अनलेस ही हैज़ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जब तक कि उसकी अमली तरबियत ना हो। दी हदीस ऑफ द प्रॉफिट सेज दैट देयर इज़ नो बेटर गिफ्ट फॉर चिल्ड्रन देन टीचिंग ऑफ गुड मैनर। हदीस नबी में है कि बच्चों के लिए हुस्न अखलाक की तालीम से बेहतर कोई तोहफा नहीं है, कोई और अच्छा तोहफा नहीं है। ठीक है, अच्छा तोहफा क्या है, बेहतर अखलाक, हुस्न अखलाक। इस्लामिक सिविलाइजेशन एंड कल्चर चेंज्ड द इंटेलेक्चुअल एंगल ऑफ द डैश वर्ल्ड। इस्लामी तहजीब व तमद्दन ने दुनिया का फिक्री जाविया बदल दिया। 116 सवाल है कि रिलीजियस इंटेलेक्चुअल्स ब्रॉट रेवोल्यूशन इन वेरियस फील्ड्स। यानी कि मजहबी दानिशवरों ने मुख्तलिफ शोबों में इनकलाब बरपा किया। रिफॉर्म मूवमेंट स्टार्टेड इन हिंदुइज्म एंड क्रिश्चियनिटी। पीपल वर गेटिंग क्लोज टू इस्लाम, यानी लोग इस्लाम के करीब हो रहे थे। देयरफॉर दीज रिलीजन सा देयर एग्जिस्टेंस इन डेंजर। इसलिए इन मजाहिब ने अपना वजूद ख़तरे में समझा। किसने, यानी कि जो ऊपर हमने पढ़ा अभी, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी ने। देयर कंपेंसेटेड पीपल स्टार्टेड रिफॉर्म मूवमेंट जैसे कि क्रिश्चन प्रोटेस्टेंट मूवमेंट और दूसरा भक्ति मूवमेंट इन इंडिया। 121 सवाल है कि बिफोर इस्लाम पीपल डिड नॉट हैव द अवेयरनेस ऑफ द पर्पस ऑफ देयर लाइफ्स। इस्लाम से पहले लोगों को कुछ पता नहीं था कि रहने का, यानी कि जो जिंदा है इसका क्या मकसद है, क्या हमने करना है। इस्लाम गेव मैन द वैल्यू एंड गेव हिम द राइट अवेयरनेस ऑफ लाइफ। इस्लाम ने जो है बताया कि जिंदगी का क्या मकसद है। ठीक है, इन विच द एट्रीब्यूट ऑफ गॉड्स विल एंड सर्विस टू ह्यूमैनिटी वाज प्रोमिनेंट। जिसमें खुदा की मर्ज़ी और इंसानियत की खिदमत का वस नुमाया था। इस्लाम इनवाइट्स साइट एंड प्रूडेंस। इस्लाम बसारत और तदब्बर की दावत देता है। 125 सवाल है कि ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस इन द यूनिवर्स आर इस्लाम्स डैश इकोनॉमिक फेवर्स दैट हैव बीन बिस्टोर्ड अपॉन मैन। कहते हैं ग्रेटेस्ट, यानी कि कायनात का मुशाहिदा और तजर्बा इस्लाम का सबसे बड़ा माशी एहसान है जो इंसान को अता किया गया है। 126 सवाल है कि इट वाज फ्राम हेयर दैट द सोर्सेज ऑफ रिलीजियस साइंटिफिक एंड फॉर्मर साइंसेज इमर्ज्ड विच पुट
ह्यूमंस ऑन द डैश पाथ ऑफ प्रोग्रेस। यही से मजहबी साइंसी और सबका आलूम के ज़राए निकले जिन्होंने इंसान को तरक्की की राह पर डाला। 1-7 सवाल है कि ऑब्जर्वेशन कंटेम्पलेशन ओपन द डोर फॉर मैन टू रिफॉर्म इन वेरियस फील्ड्स। मुशाहदे गौर व फिक्र ने इंसान के लिए मुख्तलिफ शोबों में इस्लाह के दरवाज़े खोल दिए। 1-8 सवाल है बिफोर इस्लाम देर वाज़ा पीरियड ऑफ मोनार्की एंड देर वाज़ा प्रैक्टिस ऑफ ऑटोक्रेटिक रूल। इस्लाम से पहले बादशाहत का दौर था और मुतलक अनान हुक्मरानी का रवाज था। 1-9 सवाल है कि इस्लाम गेव द सिस्टम डैश एंड थ्रू द इंस्टीट्यूशन ऑफ दिस खिलाफा द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट स्टार्टेड रनिंग थ्रू कंसल्टेशन विद द पीपल। तो क्या होता है ऑफ खिलाफा खलीफा। इस्लाम ने खिलाफत का निज़ाम दिया और इस खिलाफत के इदारे के ज़रिए लोगों की मशावरत से निज़ाम हुकूमत चलने लगा। 130 सवाल है कि इट लेटर टुक द फॉर्म ऑफ अ डेमोक्रेसी एंड देन द कंसेप्ट ऑफ अ जस्ट कलेक्टिव एंड वेलफेयर स्टेट बिकम पॉपुलर एंड डैश स्ट्रॉन्ग। इसने बाद में जमहूरियत की शक्ल इख्तियार कर ली और फिर एक मुनसिफाना इज्तमाही और फलाही रियासत का तसव्वुर मकबूल और मजबूत हुआ। 131 सवाल है कि टुडेज पॉपुलर डेमोक्रेटिक सिस्टम इज़ एक्चुअली द रिज़ल्ट ऑफ डैश इस्लामिक थाट। आज का मकबूल जमहूरी निज़ाम दरअसल इस्लामी फ़िक्र का नतीजा है। 132 सवाल है कि बिफोर इस्लाम मैन वाज डिक्लेयर्ड अ बॉर्न सिनर बाय क्रिश्चियंस एंड हिंदूज। इस्लाम से पहले ईसाइयों और हिंदुओं ने इंसान को पैदाइशी गुनाहकार करार दिया था। नेक्स्ट है कि इस्लामिक कल्चर रिस्टोर्ड ह्यूमन डिग्निटी इन द डैश सोसाइटी। मैन बिकेम अवेयर ऑफ हिज पोजिशन एंड स्टेटस इन डैश सोसाइटी। इंसान को माशरे में अपने मुकाम और मरतबे का इल्म हुआ। दिस क्लास ऑफ वुमेन वाज द मोस्ट डिप्राइव्ड आफ्टर डैश स्लेव्स। औरतों का यह तबका गुलामों के बाद सबसे ज़्यादा महरूम था। इट वाज कंसीडर्ड टू बी एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ शैतान एंड एन ऑब्स्टिकल टू स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। इसे शैतान का आला कार और रूहानी तरक्की की राह में रुकावट समझा जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है कि इस्लाम टुक द फॉलोइंग स्टेप इन दिस रिगार्ड। यानी कि मदर सिस्टर वाइफ डॉटर इन ऑल केसेस गेव रिस्पेक्ट एंड राइट्स टू द वुमेन। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि वहाँ पर इट गेव द राइट ऑफ चॉइस एंड कंसेंट इन मैरिज एंड सेट द राइट ऑफ मेहर फिक्स शेयर इन द प्रॉपर्टी। उसने शादी में पसंद और रजामंदी का हक दिया और मेहर का हक जायदाद में मुकर्रर किया। मेन हैव अ शेयर इन द एसेट दैट देयर पेरेंट्स एंड नियरेस्ट किन लीव बिहाइंड एंड वुमेन आल्सो हैव अ शेयर इन द इनहेरिटेंस ऑफ देयर पेरेंट्स एंड द डैश नियरेस्ट किन। उनके वालदैन और करीबी रिश्तेदारों के छोड़े जाने वाले असासों में मर्दों का हिस्सा है और औरतों का भी अपने वालदैन और करीबी रिश्तेदारों की मिरास में हिस्सा है। नेक्स्ट क्या है कि स्माल हो या छोटा हो या बड़ा हो हिस्सा, लेकिन हिस्सा है। ठीक है, जो कि फिक्स किया अल्लाह पाक ने। इट गेव द राइट टू नॉलेज रेदर लेट ग्रेट इम्फेसिस ऑन वुमेंस एजुकेशन। इसने इल्म का हक दिया बल्कि ख्वातीन की तालीम पर बहुत जोर दिया। ठीक है, द प्रॉफिट सेड इट इज़ ऑब्लिगेटरी ऑन एवरी मैन एंड वुमेन टू एक्वायर नॉलेज, के इल्म हासिल करें। ठीक है, हर मुसलमान हर मर्द औरत। नेक्स्ट क्या कि देन दे वर गिवन द राइट टू वर्क इन डिफरेंट फील्ड्स एंड दे वर गिवन परमिशन टू स्पीक एंड राइट एंड अदर बेसिक राइट्स। फिर उन्होंने मुख्तलिफ शोबों में काम करने का हक दिया गया और उन्हें बोलने और लिखने की इजाज़त और दीगर बुनियादी हकूक दिए गए। इस्लाम रिस्टोर द डिग्निटी ऑफ द डैश वर्कर। इस्लाम ने मजदूर के वक़ार को बहाल किया। द प्रॉफिट सेड द बेस्ट फूड इज़ द अर्निंग ऑफ फंड्स ओन हैंड। यानी वो कमाई है जो बंदा अपने हाथ से काम करके कमाता है। इन एडिशन इट वाज इंस्ट्रक्टेड टू पे द वर्कर्स ऑन टाइम। यानी उनकी पैसे जो हैं टाइम पर दे देने चाहिए। ठीक है, द प्रॉफिट सेड पे द वेजेस ऑफ द लेबर बिफोर द स्वेट ड्राइज अप। इनके मजदूर की मजदूरी उसका पसीना खुश्क होने से पहले अदा करो। इस्लाम रिस्टोर्ड द डैश बाय एलिमिनेटिंग द डिस्टिंक्शन ऑफ वेल्थ पोजीशन प्रॉपर्टी एंड फैमिली स्टेटस इन द सोसाइटी। तो ग्लोरी ऑफ लेबर। इस्लाम ने माशरे में दौलत मुकाम जायदाद और ख़ानदानी हैसियत की तफरीक को ख़त्म करके मेहनत की अजमत को बहाल किया। 149 को सवाल है कि अमंग द सोशल फूट प्रिंट्स दैट इस्लाम हैज़ लेफ्ट एटिक्वेट इज़ वेरी डैश इम्पोर्टेंट। इस्लाम ने जो समाजी नकोश छोड़े हैं उनमें आदाब बहुत अहम हैं।
150 सवाल है कि दिस क्रिएटेड ब्यूटी एंड एलिगेंस इन सोशल लाइफ विच फिल्ड द सोसाइटी विद डैश लव, इससे माशरती ज़िंदगी में खूबसूरती और खूबसूरती पैदा हुई जिसने माशरे को मोहब्बत से भर दिया। ठीक है, एक 151 सवाल है कि डैश टीचिज द सोशल ऑर्डर्स ऑन विच द सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी डिपेंड्स, सूरह अल हजरात इन माशरती अहकाम की तालीम देती है जिन पर इंसानियत की कामयाबी का इंसार है। इस्लाम एम्फसाइज द फिज़िकल प्योरिटी ऑफ डैश ह्यूमन बींग्स, इस्लाम ने इंसानों की जिस्मानी पाकिजगी पर जोर दिया। द प्रॉफिट सेड फीड द स्लेव एज यू ईट योरसेल्फ, यानी अब जो गुलाम है उनको भी वही खाना खिलाओ जो खुद खाते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि वही कपड़े पहनाओ जो खुद पहनते हो। मैनी स्लेव्स ऑफ मुस्लिम बिकेम द डैश स्कॉलर्स ऑफ देयर टाइम ग्रेटेस्ट, मुसलमानों के बहुत से गुलाम अपने वक्त के सबसे बड़े आलिम बने। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है 155 सवाल थे इस लेक्चर के, तो मैंने मेहनत करके सारी ये आप लोगों के लिए बनाई है, उसके बाद उसकी उर्दू लिखी है। तो आपने मुझे कमेंट करके लाजमी बताना है कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी लाइक भी कर दें, चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।